हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। और आज की क्लास में हम आए हैं क्लास नंबर 26 यानी कि 26, और हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट RRB 2024 फार्मासिस्ट की तैयारी का। नोटिफिकेशन आसपास है, जुलाई के आसपास फॉर्म आ जाएंगे, सितंबर अक्टूबर तक भरे जाएंगे, नवंबर में इसका एग्जाम होना है और जनवरी फरवरी तक ज्वाइनिंग हो जाती है। काम बहुत तेज होता है RRB का। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग फार्मा प्रोग्नोसिस स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, आज फार्मा प्रोग्नोसिस के चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं क्योंकि इसमें ढेर करीब 6-7 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं और उन सबसे ओवरऑल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। बाकी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। आज से क्लास को हमने 9 बजे कर दिया है क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने पूछा था लोगों से, तो करीब उसमें से 17-18 लोगों की वोटिंग आई थी और कमेंट्स में करीब 50-60 लोगों का कमेंट्स आया था और उसमें से लगभग 70-80% लोगों ने 9 बजे के टाइम को प्रेफर करा। और मेरे ख्याल से 9 बजे का टाइम ठीक भी है, बहुत से लोग काम धाम करके घर की औरतें भी फ्री हो जाती है तो बेहतर रहता है। तो कोग्नोसी में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे हम कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड बेसिस पे, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अगर हम किसी भी क्लासिफिकेशन को मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें, इसको यहां पे देखिए, दिस इज मॉर्फोलॉजिकली, अगर हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल, अगर बाहरी रंग रूप के आधार पर हम क्लासिफाई करके देखें तो 2 प्रकार के हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे अपने शरीर का एग्जाम्पल तुमको देता हूं मैं, आपके शरीर में नाक, कान, पैर, हाथ, खोपड़ी और ये जो पेट है, कमर है, इन सब की संरचना एक फिक्स है। आप किसी भी मनुष्य के अंदर देखेंगे तो सब में लगभग सेम संरचना वाले, सेम स्ट्रक्चर वाले हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, आंख देखने को मिलेंगे। यानी ये पार्ट हमारे बॉडी के क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो ब्लड का कोई प्रॉपर शेप नहीं है, हमारे आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसका कोई शेप नहीं है, हमारे नाकों से जो सेक्रीशन निकलता है उसका कोई शेप नहीं है, हम जो यूरिन और फीकल मैटर कर रहे हैं उसका भी कोई शेप फिक्स नहीं है, कभी किसी कलर का होता है, कभी किसी कलर का होता है, तो डिपेंड करता है रात को नौता कहाँ खाए थे। तो कुल मिला के ये जो बॉडी की बाकी जो और चीजें निकल रही है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर इसको आप समझ चुके होंगे तो किसी भी प्लांट में उसका प्लांट का लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, राइजोम, ठीक है, फ्लावर, ये सीड, ये सारे पार्ट ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। और इनसे निकलने वाला एक्सट्रैक्ट, जैसे कि एक्सट्रैक्ट में क्या है, कभी ओपियम से आप रेजिन निकाल लेते हैं, वोलेटाइल ऑयल निकाल लेते हैं, ग्लाइकोसाइड निकालते हैं, एल्कोलाइड निकालते हैं, ये सब जो अंदर से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट में आता है। तो इसी तरह से प्लांट के क्लासिफिकेशन को हम मॉर्फोलॉजिकली 2 भाग बांट सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल याद करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ही सारी कहानी है और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ऑर्गेनाइज पार्ट के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे एक साथ करके। तो ऑर्गेनाइज पार्ट में पहला लीव है, तो कौन कौन से लीव ऐसे हैं, यानी कौन कौन से ऐसे लीव्स हैं जिससे ड्रग प्राप्त होता है, जैसे डिजिटेलिस, दतूरा, सेना, तुलसी, वसाका, इन 5 दवाइयों के लीव से ड्रग निकाला जाता है। ठीक है, डिजिटेलिस आप जानते हैं, स्ट्रोपंजिटेलिस, दतूरा स्ट्रामोनियम, सेना सेनेसवाइड, तुलसी आप जानते ही हैं और वसाका आप जानते हैं, ये सारे जो प्लांट्स हैं इनकी लीव से निकाला जाता है, यानी ये सभी ऑर्गेनाइज्ड लीव का पार्ट है। वहीं पे फ्रूट से मिलने वाली से फेनल, सौंफ, कोरिएंडर, धनिया और आंवला, ये तीनों फ्रूट है, ये तीनों फ्रूट है और फ्रूट क्या है, ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिनेमोन जो है वो किस तरह का ड्रग है, ऑर्गेनाइज्ड की अनऑर्गेनाइज्ड, तो पहले याद करो सिनेमोन है क्या। सिनेमोन एक बार्क है, पेड़ की छाल, सिंकोना और सिनेमोन पेड़ की छाल से प्राप्त, छाल भी ऑर्गेनाइज्ड पार्ट में आता है, ये हो गया ऑर्गेन। अगर आपसे पूछे कि भैया फेनल किस प्रकार का ड्रग है, ऑर्गेनाइज्ड की अनऑर्गेनाइज्ड, तो फेनल प्राप्त होता है फ्रूट से और फ्रूट होता है ऑर्गेनाइज्ड पार्ट, ऐसे याद करना होगा। उसी तरह से सीड से मिलने वाली कुछ दवाइयां हैं, इसबगल, हस्क, नक्स वोमिका, मस्टर्ड, ये सारे सीड से प्राप्त होते हैं। रूट से, जड़ों से प्राप्त एकोनाइट और इपेकाक, इपेकाक वाना आपने सुना होगा, उल्टी की दवा होती है, ये सारी जो दवाइयां हैं वो रूट से प्राप्त होती है। फ्लावर से कौन सा मिलता है, लौंग, पायरेथ्रम, ये सब लौंग, पायरेथ्रम, ये सब किससे मिलते हैं, फ्लावर से। वहीं पे पूरे प्लांट का इस्तेमाल होता है विनका कालमे, ये प्लांट ऐसे हैं विनका रोजिया कालमे, जिससे पूरे प्लांट का इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्रग के तौर पर। प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स जो लकड़ी से प्राप्त होते हैं, जैसे कि काटन, जो सीड के ट्राइकोम होते हैं, जूट, सिल्क,
कि कॉटन जूट सिल्क भी एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है, नॉट अनऑर्गेनाइज्ड, दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। वहीं पे राइजोम और रूट आप जानते हैं, जैसे कि स्पर्गंधा, जिंजर, टर्मरिक, हल्दी और अदरक, ये सब स्पर्गंधा, ये सारे रूट और राइजोम से मिलते हैं। यानी जितने एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ दिखाए, आपको याद कर लेना है ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके लिए बेहतर है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज्ड प्राप्त से पाल से मिलने वाले प्लांट के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग, अब आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड की तरफ। मैंने कहा कि जब प्लांट के किसी भी पार्ट से ना होकर ये कहां से मिलता है, उसके इंसिजन से, उसके एक्सट्रैक्शन से, वो है अनऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल जैसे एलोए और किनो, ये ड्राइड जूस है प्लांट, एलोए बोरा, आपने एलोए का प्लांट देखा होगा, एलोवेरा का, उसके जूस से हम लोग क्या करते हैं, ड्रग बनाते हैं। तो उसका जूस जो अंदर का पार्ट है वो अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। तो किनो और एलोए ड्राइव जूस है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। वहीं पे ओपियम और पेपेन, आपने देखा होगा जो अफीम के रेजिन, लेटेक्स से, रेजिन से हम ड्रग बनाते हैं, तो उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट है, ड्राइड लेटेक्स है, वो अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। वहीं पे ब्लैक कैटेचो और ब्लैक जानते हैं कत्था, जो कत्था होता है, तो कत्थे की लकड़ी इस्तेमाल नहीं करते, कत्थे का घोल इस्तेमाल करते हैं, और जो ब्लैक कैटेचो है वो तरह का कत्थे का एक्सट्रैक्ट है, डिकॉक्शन है, तो वो भी अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट हुआ। लार्ड जो है वो फैट है जो मधुमक्खी वगैरह नहीं निकलता, जो मोम वगैरह निकलता है। अकेसिया ट्रेकोटेन, ये दोनों से गम बनाए जाते हैं, उसके अंदर के गम, वो भी आपके गम जो है अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। रेजिन, ओलियो रेजिन, ओलियो गम रेजिन, जैसे कैप्सिकम, जिंजर, मिर, एसोफिटिडा, ये सारे रेजिन। एसोफिटिडा क्या होता है, हींग, हींग जानते हैं आप लोग। और यूकेलिप्टस ऑयल, ये वोल्टाइल ऑयल है। और स्पर्मेटिसिटी और बीज वैक्स, वैक्स है। यानी ये सारे भी याद कर लो, जब भी आपको कोई पार्ट, जूस, लेटेक्स, ट्रैक, फैट, गम, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, ये सब दिख जाए, तो वो सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट होते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कुल प्लांट्स को सात अलग अलग लेवल से क्लासिफाई करते हैं। पहला है अल्फाबेटिकल, ये सबसे मोस्ट इजी फॉर्म है, इसमें बस चीजों को ए बी सी डी के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, अल्फाबेटिकल हो गया, ठीक है। दूसरा है टैक्सोनॉमिकल, ये उनके किंगडम, स्पीसीज, फाइलम, सब फाइलम, इन सब के बेसिस पे जो हम क्लासिफाई करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, जो भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पर। फार्माकोलॉजिकल, दवा किस काम में आती है, उसके असर के आधार पर। केमिकल, किस नेचर का ड्रग है, कार्बोहाइड्रेट है, एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, लिपिड है, फैट है, प्रोटीन है, उसके केमिकल नेचर के आधार पर। कीमोटैक्सोनॉमिकल और सिरोटैक्सोन, ये है एंटीजन एंटीबॉन्डिंग के हिसाब पर, और ये केमिकल और टैक्सोनॉमिकल दोनों को मिलाकर बनाएंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल, इन तीन से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 90 क्वेश्चन इन्हीं तीन क्लासिफिकेशन से पूछे गए हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल। हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन इन तीन पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं। पहला है अल्फाबेटिकल, सीधी सी बात है, अल्फाबेट के आधार पर, जैसे हमारे पास कुछ ड्रग है, हमने अरेंज कर दिया, ए कैसिया, बी बेंजोइन, सी सिंकोना, डी डिल, ई एफ जी एच, आप देखिए अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया, जिसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे क्वेश्चन नहीं आएगा। टैक्सोनॉमिकल भी आप जानते हैं कि जिसपे हम लोग होता है ना, एक क्लास होता है कि मैंने आपको ट्रिक बताया था, केपी को फूको घर से, केपी को फूको घर से, के मतलब किंगडम, पी मतलब फाइलम, टी सी मतलब क्लास, ओ मतलब ऑर्डर, फूको मतलब फैमिली, घर से मतलब जीनस, एस से मतलब स्पीसी। तो ये पूरा है किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, किसी भी एक प्लांट की सारी कैटेगरी को याद करना। जैसे मेरे पास एक स्पीसीज है डिजिटलिस, प्लांट का नाम क्या है, डिजिटलिस पुरपुरिया। तो डिजिटलिस पुरपुरिया का किंगडम है प्लांटी, फाइलम है स्पर्मेटोफाइटा, इसका डिवीजन है एंजियोस्पर्म, क्लास है डाइकोटिलेडंस, ऑर्डर है स्क्रोफुलरेसी, फैमिली है स्क्रोफुलरेसी, जीनस है डिजिटलिस और स्पीसीज है डिजिटलिस पुरपुरिया। ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन याद कर लीजिए, किसी भी प्लांट का जब हम पूरे खानदान की चर्चा करते हैं इसी को हम टैक्सोनॉमिकल कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल आपने पढ़ी लिया, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो वो भी हमारा कवर हो गया। आते हैं फार्माकोलॉजिकल की तरफ, अब यहां से तैयार करना शुरू करना बेटा, क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे आपको। फार्माकोलॉजिकल का मतलब है कि कौन सी दवा किस कैटेगरी में काम आती है, अगर उसके हिसाब से क्लासिफाई करके ड्रग्स को लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे पहला क्लासिफिकेशन है किसी भी ड्रग का ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, तो इसे क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम।
जो रिस्पायरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे कि जो एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी के ड्रग कौन कौन सी है, लिकोरिस इपेकुआना वसाका। लिकोरिस जानते हैं, मुलेठी, मुलेठी कभी खाया हो, लकड़ी जो पान लोग पान खाते उसको डालते हैं, मीठी सी लकड़ी होती है, ये गले के लिए बहुत अच्छा होता था। एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी कौन सा है, लिकोरिस इपेकुआना वसाका। वहीं पे एंटी एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी का आपका है एस्ट्रामोनियम, जिसे एट्रोपिन कहते हैं, दिस इज द एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी का ड्रग है ये, एंटी एक्सपेक्टोरेंट होता है, यानी बलगम को निकालने से रोकता है। वहीं पे एंटी टर्सिव खांसी के लिए है ओपियम, ओपियम से आपको पता है कोडीन और नेस्केपिन बनता है, जिसके कफ सिरप बनते हैं, कोडेक्स वगैरह, तो ये भी एक तरह का सेंट्रल एक्टिंग ड्रग है। और ब्रांको डायरेटर जो म्यूकस को डायरेट करे वो है एफेड्रा और टी, जो चाय पीते हैं ना खांसी में आराम मिलता है चाय पीने से, लोग काढ़ा खूब पिए हैं कोरोना टाइम में, तो एफेड्रा और टी जो है वो ब्रांको डायरेटर, यानी सारी अलग अलग कैटेगरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आधारित है। तो कुछ ड्रग के नाम याद करते चलो, कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में है, ठीक है, कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में है ये याद करते चलो। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरी कैटेगरी है ड्रग एक्टिंग ऑन हार्ट यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पहला है कार्डियोटॉनिक, जो हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है वो है डिजिटलिस, स्क्विल और स्ट्रोपैंथस। नाम याद करते चलो, जितना भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना, एक एक कैटेगरी में कम से कम 500 एग्जाम्पल है, लेकिन मैं तीन ही चार इसलिए बना के नोट्स में ले आया हूँ क्योंकि यही तीन चार एग्जाम में आए हुए हैं। आपके नोट्स जब बनाए जाते हैं बेटा तो वो बहुत मेहनत के बाद बनाते हैं। लोग कहते हैं कि सर आप एक दिन में दो क्लास लीजिए, सिलेबस नहीं पूरा होगा, अरे वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं कर लूंगा, और एक दिन में दो क्लास संभव ही नहीं बेटा, एक क्लास के पीछे 4 से 5 घंटे की मेहनत लगती है, और आप एक दिन दो क्लास में समझ रहे हैं पूरा दिन इसी में लगा रहूंगा फिर बाकी काम मेरा कब होगा, ठीक है। तो कार्डियोटॉनिक्स मतलब डिजिटलिस, स्किल, स्ट्रोपैंथस। कार्डियक डिप्रेसेंट, और आप सबको थैंक यू जिन लोगों ने मुझे कल विश किया, मेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो बहुत से लोगों ने मुझे कल विश किया, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कार्डियक डिप्रेसेंट जो ब्लड हार्ट फोर्स को डाउन करे वो है आपके सिनकोना, ये क्विनिडीन इससे मिलता है, और वेरेट्रम, याद कर लो सिनकोना वेरेट्रम हार्ट के पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है वो है एरगॉट और एफेड्रा, एफेड्रा आपने भी पढ़ा था उसमें भी रिस्पायरेटरी वाले में। और जो एंटी हाइपरटेंसिव है जो ब्लड प्रेशर के लिए मेरिस के लिए देते हैं वो है राउल्फिया, राउल्फिया सर्पेंटाइना सर्पगंधा, नाम सुना होगा। ये सारे ड्रग जो है वो अलग अलग कैटेगरी है हार्ट के लिए। चलिए अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, फार्माकोलॉजिकल ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एड्रेनर्जिक कैटेगरी का ड्रग है एफेड्रा, एड्रेनर्जिक कैटेगरी, इससे एफेड्रीन ड्रग बनता है, और जो एफेड्रीन ड्रग है वो एड्रेनलिन की तरह काम करता है इसलिए इसको एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं। कोलिनर्जिक में फाइसोस्टिग्मिन पाइलोकार्पन, ये दोनों एंटी कोलिनेस्टेज एंजाइम का काम करते हैं, तो ये दोनों कोलिनर्जिक हो गए, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक। और एंटीकोलिनर्जिक में बेलाडोना, धतूरा, धतूरा एस्ट्रामोनियम, और एट्रोपा बेलाडोना से क्या मिलता है एट्रोपिन, जो कि इमरजेंसी मेडिसिन है, एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी। बस याद करते चलो कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी की है कोग्नोसी में, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं कह रहा हूं बहुत आते हैं, इसको जरूर रट लेना, लिख लेना। और अगर आपने बीफार्मा डीफार्मा अच्छे से किया होगा तो आपको ऑलरेडी याद होगा, मैक्सिमम तो आपको याद ही होगा, कुछ ही होंगे जो नहीं याद होंगे उसको याद कर लीजिएगा। अगली कैटेगरी है ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी, जीआईटी का मतलब जो पेट के लिए काम करता है, इसको याद करते। पहला है बिटर टॉनिक, व्हाट इज द बिटर टॉनिक, जब किसी को खाना ना पचे, पेट में इंडाइजेशन की दिक्कत हो, उस केस में हम बिटर टॉनिक देते हैं। तो ये है जेंटन, क्वेसिया और सिंगरेना, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, क्वेसिया गस्टिफोलिया और जेंटन, ये सारे ड्रग्स जो है वो बिटर टॉनिक बनाने के काम आते हैं, पेट के लिए होते। कार्बिनेटिव जो गैस खाना पचाने का काम करता है, कभी आप होटल में खाना खाइए वो आखिरी में आपको सॉफ्ट मिश्री देते हैं बिल के साथ, सॉफ्ट मिश्री खाइए, सॉफ्ट कार्बिनेटिव है, खाना पचाने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव होता है। तो डिल, मेंथा, कार्डेमम, इलायची, मेंथा, डिल, ये सारे कार्बिनेटिव होते हैं। एमेटिक्स जो उल्टी कराने में हेल्प करते हैं वो है इपेकुआना, उल्टी कराने के लिए, जब कोई ऐसी चीज आप खा लीजिए तो उल्टी कराने के। एंटी एमेटिक्स, अगर उल्टी हो रही हो तो उसको रोकने के लिए है कुर्ची और इपेकुआना, इपेकुआना दोनों पर्पस से इस्तेमाल हो सकता है कुर्ची। बल्क लग्जेटिव की बात करें, अगर आपको लैट्रिन नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है और लूज मोस, आपको मोशन अच्छे से कराना है तो लग्जेटिव देते हैं, उसमें है अगर, इसबगल और बनाना। आप केला खाइए, लैट्रिन आपकी बन जाएगी, जो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, इसबगल हस्क और अगर अगर। वही परगेटिव ब्लड कॉन्स्टिपेशन के लिए उससे लो लेवल का काम है, सेना और कैस्टर ऑयल। और पेप्टिक अल्सर बीमारी के लिए वो है डेरिवेटिव ऑफ ग्लाइसिरिटिन एसिटिक, ग्लाइसिरिटिक एसिड,
ग्लाइसेरिजा गैब्रा एक प्लांट होता है उससे मिलता है, वो हमारे पेप्टिक अल्सर में काम करता है। ये सारे के सारे कैटेगरी विथ एग्जाम्पल याद करते चलो, तुरंत याद करते चलो, ये आपको बहुत हेल्पफुल है। बहुत मुश्किल से छाट करके नोट्स बनाया है, बहुत मेहनत के साथ, दुगनी मेहनत आपको करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस साल। क्वेश्चन नंबर अब अगला टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। अब उसमें पहला है सेंट्रल एनाल्जेसिक, ऐसा पेन किलर जो ब्रेन पे काम करता है वो है ओपियम वाला। ओपियम कैटेगरी की सारी जो ड्रग है वो सेंट्रल एनाल्जेसिक होता है। वहीं पर सीएनएस स्टिमुलेंट जो ब्रेन को स्टिमुलेट करे, जो चाय पीने से होता है, सुरती खाने से होता है, वो है कॉफी। कॉफी पीजिए तुरंत नींद भाग जाएगी, ब्रेन स्टिमुलेट होता है। एनालेप्टिक्स, इस केस में नक्स वोमिका, लोबेला और कैम्फर याद कर लो, ये एनालेप्टिक्स होते हैं। सीएनएस डिप्रेशन जो ब्रेन को शांत करने के लिए होते हैं वो हायोसाइमस, बेलाडोना और ओपियम। ज्यादा ओपियम खा लो तो आपका बेहोशी भी आ सकती है, नींद भी आ सकती है। तो ये ओपियम, बेलाडोना, हायोसाइमस सीएनएस डिप्रेशेंट है। और हेलुसिनोजिनिस जो बेहोश करने के लिए, नींद में लाने के लिए जरूरी है, वो है कैनबिस, भांग, कॉपी, लैटेक्स, यानी जितना भी चरस, गांजा, भांग वाले प्लांट है वो हेलुसिनोजेन होते हैं, नशे वाले मादक पदार्थ होते हैं। वहीं पे स्मूथ मसल रिलैक्सेंट सेंट्रल लेवल पे वो है ओपियम, पेपेवरिन, ये भी काम करता है। और एक्सटर्नल मसल रिलैक्सेंट में हमारे आते हैं क्यूरारे। क्यूरारे की बारे में कहानी सुने होंगे, क्यूरारे का ऐसा प्लांट है जिसके प्लांट के फल को, पुराने जो शिकारी होते थे फल को अपने तीर के नोक पे लगाते थे उसके रस को, और लगा करके जब किसी जानवर पे मारते थे और वो तीर घुसता था उस जानवर के शरीर पे, तो जानवर थोड़ी देर बाद दौड़ नहीं पाता था और गिर जाता था, क्योंकि उसके बॉडी का जो मसल है वो रिलैक्स हो जाता था। दौड़ने के लिए चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन, और जब मसल रिलैक्स होगा तो आप चल नहीं पाएंगे और गिर जाएंगे। तो जो क्यूरारे हैं इसका उपयोग पहले लोग शिकार करने के लिए करते थे, तो ये स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। ये सारे सीएनएस एक्टिंग ड्रग थे, मैंने आपको याद करा दिया। आप इस लाइव को खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो को 4-5 बार देखिएगा, या उसको नोट्स बना के याद करिए, याद हो जाएगा। एंटी कैंसर ड्रग में विनका आप जानते हैं, विनका ब्रोजिया, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, पोडोफाइलम टॉक्सिन, कॉम्फोर्टिका और टैक्सस, ये सारे चार प्लांट बहुत फेमस है जो एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं। वहीं पे इम्यूनो मॉड्यूलेटर औरतों को खास तौर पे पिलाते हैं, शंख पुष्पी, सहेली, बहुत सारी टॉनिक्स पिलाते हैं। वो क्या करते हैं, इम्यूनो, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, जिनसेंग, अस्परगऊ, कोरोरा, पिनकोरजा, ये सारी पेड़ जो है याद कर लो, सारे प्लांट ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर कैटेगरी में आते हैं। वहीं पे एंटी रूमेटिक्स जो गठिया बतास के मरीज में आता है वो एकोनाइट, कॉल्चिकम और गुगुल, याद कर लो ये सारे तीनों जो ड्रग्स है, एकोनाइट, कॉल्चिकम, कॉल्चिकम मिलता है कॉल्चिकम ऑटोमिनल से, गुगुल, ये सारे जो प्लांट्स हैं वो एंटी रूमेटिक होते हैं। वहीं पे एंटी हेलमिंथिक, जब पेट में कीड़ा लग जाए, हेलमिंथ इन्फेक्शन हो जाए, जिसके लिए आप एल्बेंडाजोल खाते हैं, उसके लिए जो ड्रग है वो है क्वेसिया एनस्टिफोलिया, मेल फर्न और विडांग, ये तीन प्लांट जो है एंटी हेलमिंथिक होते हैं। एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी में जो ब्लड को प्रेसिपिटेट कर दे, खून बहने से रोक दे, वो है मेरोबिलान, जलापा और ब्लैक कैटेचू। कत्था भी लगाने से खून जमना बंद हो जाता है, इसे लोग पान के साथ कत्था खाते हैं कि अगर चूहे से जीभ कट जाए तो कत्था उसको हील कर दे, तो ये ब्लैक कैटेचू। एंटी मलेरिया ड्रग दो बहुत फेमस प्लांट है, एक सिंकोना, एक आर्टिमिसिया, दोनों फेमस प्लांट है। आर्टिमिसिन से आर्टिथर बनता है और सिंकोना से बनते क्विनीन बनता है, ये दोनों ही फेमस एंटी मलेरिया ड्रग। लोकल एनेस्थेटिक के लिए हमारे कोका, जो कोकेन प्राप्त होता है उससे भी लोकल एनेस्थेटिक के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया फार्माकोलॉजिकल लेवल पे, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। मैंने कहा ना तीन क्वेश्चन आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल से, फार्माकोलॉजिकल से और केमिकल से। केमिकल का मतलब कि जो भी ड्रग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका केमिकल नेचर क्या है, अंतोगत्वा वो है क्या, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो लिपिड है, वो फैट है, वो प्रोटीन है, वो ग्लाइकोसाइड है, वो एल्कलॉइड है, वो रेजिन है, वो गम है, वो है क्या, उसके अंदर का जो तत्व है उसका नेचर क्या है, इसी को कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे पहला है आप देखेंगे केमिकल में गम, केमिकल नेचर जो कार्बोहाइड्रेट नेचर का है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट गम, म्यूसिलेज होते हैं, गम मिलता है ड्रैगन से, गुआर गम और कैसे गम, मतलब जो लेई चिपचिपा, बोन चिपकाने काम आता है, कभी सठोरा ठोरा खाया उसमें बोन डालते हो ना,
तो जो बाइंडर काम करता है, बाइंडर वो गम होते हैं, इस सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और म्यूसिलेज ये है प्लांटेगो सीड, ये म्यूसिलेज भी होता है ठीक है। और अदर में जैसे स्टार्च है, पेक्टिन है, हनी है, कॉटन है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइड नेचर का, तो ग्लाइकोसाइड भी आप जान लीजिए। ग्लाइकोसाइड आपको पता है, पढ़ा है आपने, इसमें दो पार्ट होते हैं, ग्लाइकॉन ए ग्लाइकॉन। एक ग्लाइकॉन पार्ट जो होता है वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट होता है, और ग्लाइकॉन पार्ट कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो ग्लाइकोसाइड मतलब इसमें एंथ्राक्यूरिन ग्लाइकोसाइड, बीटा ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्यूरिन ग्लाइकोसाइड कैटेगरी क्या है, सेना, रुबार्ब, कैस्केरा और एलो, ये चारों में ग्लाइकोसाइड होते हैं और एंथ्राक्यूरिन कैटेगरी के। वहीं पे क्वेसिया अंगस्टिफोलिया, कालमेग, जेंटियन और चिराटा, ये सभी भी ग्लाइकोसाइड है, लेकिन ये बिटर ग्लाइकोसाइड, टेस्ट में बहुत कड़वे होते हैं। स्ट्रोपैंथस और डिस्टेलिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड हार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ब्लैक मस्टर्ड, सरसों का जो तेल है सरसों, उसमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है, सल्फर कंटेनिंग होता है, इसीलिए सरसों का शुद्ध तेल आंखों में लगता है, उसमें झार होता है, ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड उसमें पाया जाता है, इसी वजह से सरसों का तेल आंखों में लगता है। कुछ टैनिन कैटेगरी की देख लेते हैं। टैनिन का मतलब आप समझते हैं ना, जो कत्था वत्था में होता है। टैनिन क्या करता है, बेसिक काम क्या है टैनिन का, ये ब्लड को प्रेसिपिटेट करता है। तो पेल कैटेचू, कत्था जो हमारा होता है, दिस इज द पेल कैटेचू, मीरोबिलान, गर्ल्स, ब्लैक कैटेचू, बहेर्रा, अशोका, बार्क, अमला, ये सारे के सारे, हर्रे, बहर्रे, अशोका, सब सुना होगा ना, ये सारे के सारे टैनिन कैटेगरी होते हैं, ब्लड प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करते हैं ठीक है। ये टैनिन है। अगला है वोलाटाइल ऑयल, जिसमें खुशबू होती है, जो फ्रेग्रेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे आप देख लीजिए कौन कौन सी कैटेगरी के ड्रग हैं। नाम बस कैटेगरी याद करो, वोलाटाइल ऑयल, इसमें वेलेग्रीन, ऑरेंज पील, संतरे का छिलका, मिंट, पुदीना को जो होता है, फिनल, सौंफ, दिल, कोरिएंडर, कारवे, सिनेमोन, दालचीनी, इलायची, सबसे खुशबू वाले तेल निकाली जाती है, वोलेटाइल ऑयल कैटेगरी का होता है ठीक है। अगला है लिपिड। लिपिड नेचर का मतलब जिसमें कि वसा हो, तेल हो, तो फैट किसमें किसमें है, लिनोलिन और थियोब्रोमा ऑयल में, फिक्स्ड ऑयल होता है ओलिव, कैस्टर और एलमंड में, बादाम में, और वैक्स होते हैं बीज वैक्स और एस्पर्मसिटी, मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, ये सभी ऑयल या फैट कैटेगरी के हैं। वहीं पे आगे हम बात कर लेते हैं रेजिन कैटेगरी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिन किससे किससे प्राप्त होता है ये जानना जरूरी है आपके लिए। तो उसमें है टर्मरिक और कैनाबिस, इनसे भी रेजिन मिलता है, तेल, कैलोफोनी, पोडोफाइलम, बालसम ऑफ टालू, मिर, एसोफिटिडा और जलाब, एसोफिटिडा को हींग कहते हैं, ये सभी से रेजिन से प्राप्त होता है, ये सारे के सारे रेजिन के कैटेगरी में आते हैं। जितने भी गोन टाइप के लिसिलसे हैं वो रेजिन टाइप के होते हैं, सारे अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। एल्कलॉइड भी बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, एल्कलॉइड भी कई कैटेगरी होती है, अमीन एल्कलॉइड, इंडोल एल्कलॉइड, आइसोक्विनोलिन, प्यूरीन एल्कलॉइड, पिरिडीन, पिपरिडीन एल्कलॉइड, क्विनोलोन और ट्रोपिन। एल्कलॉइड में क्या होता है, एक नाइट्रोजन की खास रिंग पाई जाती है, उस नाइट्रोजन की रिंग का नेचर क्या है उसके आधार पर नाम रखा जाता है। अगर अमीन है तो अमीन, तो अमीन का एग्जाम्पल है एफेड्रा, इंडोल का एग्जाम्पल है रोल्फिया, सर्पेंटाइना और एर्गोन, ये इंडोल कैटेगरी का है। आइसोक्विनोलिन में ओपियम है, इपेकॉक है और कुलुम्बा, याद कर लेना बेटा। प्यूरीन में टी है और कॉफी है, पिरिमिडीन में लोबेलिया है, क्विनोलिन में सिंकोना है, और ट्रोपेन में स्ट्रामोनियम, धतूरा, कोका और बिलेडो। देखिए मैंने तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दिया क्योंकि मैं याद नहीं करवा सकता बैठ के, लेकिन ये एक जो लेक्चर है ना, इसको कॉपी में बना के, वैसे अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा, अगर आपने कोर्स नहीं लिया, आप फ्री में चाहते हैं तो बैच में आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे आप मोबाइल में देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं होगा। तो ये सारा का सारा जो कहानी है ना बेटा, वो सारी की सारी जो कहानी है, ये कहानी यही है कि आप इसको याद करिए, आपको याद करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि उसी में चीजें याद ही करनी पड़ती है, रटनी ही पड़ती है। वैसे आपको बता दूं, आपका जो टेस्ट है वो भी संडे को है, और वो टेस्ट के लिए आप तैयारी कर लीजिए, टेस्ट में बिल्कुल 100 क्वेश्चन, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट से क्या होगा, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कहां पे कमी है, क्या आपको चीजें ज्यादा मेहनत करनी है, वो मॉक टेस्ट से मालूम होता है। जब आप एग्जाम से पहले 10 से 12 बार अगर आप मॉक टेस्ट दे लेंगे, आपकी तैयारी कंफर्म हो जाएगी, आपकी गलती के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये मॉक टेस्ट जो होगा, उसके आपको एप्लीकेशन में जो कोर्स ज्वाइन करना है, आरआरबी फार्मेसी 2024, उस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं,
वहां से जाकर के देखिए कि कोर्स कैसे लेना है, और उसके अंदर टेस्ट है। वो टेस्ट संडे को शुरू हो जाएगा और वो टेस्ट हमेशा लाइव रहेगा, यानी एक बार जो पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा संडे से शुरू होगा, आप जब भी खाली पाए उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं और वो टेस्ट हमेशा आपके पास रहेगा। जब तक आपके ये कोर्स 6 महीने का है आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं, और वो बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कोर्स अवेलेबल रहेगा। लेकिन वो उन्हीं लोग के लिए है जिन्होंने वो कोर्स लिया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा थोड़ा सी मेहनत करना चाहते हैं उसके लिए वो कोर्स है। बाकी आपको सुबह पढ़ा रहा हूं, आप अगर उससे खुश है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो केमिकल नेचर प्रोटीन में जिलेटिन, जिलेटिन जानते जो कैप्सूल सेल है, कैसेरीन और कोलेजन, ये तीनों प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब अगला क्लासिफिकेशन है कीमो टैक्सोनॉमिकल, यानी कि केमिकल भी और टैक्सोनॉमिकल, यानी कोई कोई ऐसा प्लांट होता है उस प्लांट की उस फैमिली के प्लांट से एक ही प्रकार के केमिकल निकलते हैं, इसे कीमो टैक्सोनॉमिकल। जैसे कि सोलेनेसी फैमिली से, जो सोलेनेसी फैमिली है वो ट्रोपेन एल्कलॉइड, अब देखो ट्रोपेन एल्कलॉइड केमिकल नेचर हो गया और सोलेनेसी फैमिली क्या हो गई, इसका टैक्सोनॉमी हो गया। तो टैक्सोनॉमी प्लस केमिकल नेचर मिला के बनता है कीमो टैक्सोनॉमिकल। जैसे वोलेटाइल ऑयल जो है अम्बली फेरी और रूटेसी प्लांट से हमेशा वोलेटाइल ऑयल ही निकलते हैं, तो ये दोनों हो गया उसका केमिकल क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी, और वोलेटाइल ऑयल क्या हो गया उसका नेचर। जैसे क्वेश्चन आता नहीं है। और अगला है सीरो टैक्सोनॉमिकल, ये सिंपल से सेरो मतलब नाम से लग रहा है सीरम, और टैक्सोनॉमी यानी इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के हिसाब से बनता है। पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, थ्योरेटिकल एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्वेश्चन सीरीज, और शुरू हो जाइए, उठाइए पेन और पेपर, और 30 क्वेश्चन में आज सॉल्व कराऊंगा, और 30 में से कितने जवाब आप दे पाते हैं ये आपको लिखना है। देखिए अभी मैंने आपको जो पढ़ा है वो आपको याद नहीं हो गया होगा, मैं जानता हूं, इसलिए क्वेश्चन आपके बहुत सारे गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये चीजें समझने वाली थी नहीं, ये सब चीजें थी रटने वाली, याद करने वाली, और जब तक चीजें याद नहीं होगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो सकते हैं, आपके परेशान मत होइएगा। और दूसरी चीज, अगर आपने बी फार्मा डी फार्मा अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पेपर बहुत इजी लेवल का आता है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। याद है ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन आता है, ओपियम, कॉटन, मिर, कैप्सिकम। देखिए ओपियम मिलता है लेटेक्स से, ये तो होगा नहीं, ओ माय गॉड लाइट कट गई है, मैं इस क्लास को फिर से रिज्यूम करूंगा थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। यहां बात हो रही है कि ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग यहां पे कौन सा है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो प्लांट के फिक्स्ड पार्ट से मिलता है, ओपियम मिलता है लेटेक्स से, मिर मिलता है लेटेक्स से, कैप्सिकम मिलता है एक्सट्रैक्ट से, यहां पे ऑप्शन नंबर सही है बी कॉटन, कॉटन मिलता है सीड से, और सीड का जो ट्राइकोम है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है, ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलिए मूव करते हैं, द क्रूड ड्रग डिराइव फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है, एनिमल और सब एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, यानी कि जिस प्लांट से मिलने के बाद जिसका भी एक्सट्रैक्शन और ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है वो क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, सेमी ऑर्गेनाइज्ड है, रिफाइंड है। तो आपको पता है कि एक्सट्रैक्ट, डिकॉक्शन, इन सब का, ये सभी हमारे प्लांट के अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। इसमें से कौन अनऑर्गेनाइज्ड एग्जांपल है, टर्मरिक राइजोम से मिलता है ऑर्गेनाइज्ड है, पायरेथ्रम काल्मेग एसोफोटिडा, ये तीनों के तीनों ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है, एसोफोटिडा रेजिन एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है, ही डी ऑप्शन इज करेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटालिस धतूरा एंड सेना, ये तीनों आपको पता है तीनों लीफ से मिलते हैं, धतूरा फ्रूट से, तीनों लीफ से मिलते हैं, बाकी बिलोंग टू विच क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो लीफ कैसा पार्ट है आपको पता है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए। जी हाँ आपका जवाब बिल्कुल सही आ चुका है स्क्रीन पर, मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं, हाँ ऑर्गेनाइज्ड, ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्रूड ड्रग इज ओलियोगम रेजिन, जो प्लांट से मिलने वाला ओलियोगम रेजिन, जहां भी रेजिन आ जाए, ओलियो आ जाए, गम आ जाए, ये सारे के सारे आपको पता है एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट है, तो किस प्रकार का ये पार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है सी, दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम लोग,
और क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज एज एक्सपेक्टोरेंट, यानी यहाँ पे बात हो रही है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी की ड्रग कौन सी है, लिकोरिस, डिजिटलिस, इफेड्रा, बेलाडोना, जवाब दीजिए अगर आपको याद है तो। जी हाँ, बहुत लोगों का जवाब सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए लिकोरिस, यानी मुलेठी। हमने कहा था मुलेठी सांस के लिए खाते हैं, गले की खराश के लिए खाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, लिकोरिस जो है वो एक्सपेक्टोरेंट है। सिनकोना, आपको पता है सिनकोना ऑफिसिनेलिस इज प्राइमरली यूटिलाइज फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्या काम है सिनकोना का, चार ऑप्शन, एंटीटसिव, कार्डियोटॉनिक, कोलिनर्जिक, एंटी कैंसर ड्रग। तो सिनकोना ऑफिसिनेलिस अगर आपको याद होगा तो ये जो हमारा है ये जी हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्डियोटॉनिक, हार्ट के पेशेंट के लिए हम लोग सिनकोना, एस्ट्रोपैंथस, डिस्टैलिस सब ब्लड देते हैं। एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन द्वारा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं, व्हाट इज प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल यूज ऑफ फाइसोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, याद आ रहा है कुछ, कहां पढ़ा था आपने फार्माकोलॉजी में, किस क्लास की ड्रग है एज पर यू, सीएनएस स्टिमुलेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कोलिनर्जिक, सीएनएस डिप्रेसेंट। बिल्कुल सही जवाब, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये सारे एंटी कोलिनर्जिक एंजाइम की तरह काम करते हैं, यानी कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है ये, ऑप्शन नंबर ये सारे जो है फाइसोस्टिमुलेंट एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी में, ये एंटी कोलिनर्जिक एक्चुअली गलत है, यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है कि सेना, सेना लीफ प्राप्त होता है, कॉमनली फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है सीएना का, सीएनएस स्टिमुलेंट, कार्बिनेटिव, एमेटिक्स या एंटी हाइपरटेंसिव, आपको याद होना चाहिए सेना जो है वो। चलिए जवाब दीजिए सब लोग, जी हाँ कुछ लोग का जवाब बी, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का जवाब गलत यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, याद नहीं है, सेना ऑप्शन नंबर डी सही है, एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी का होता है, जिसका जवाब डी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि ओपियम, अफीम इज प्राइमरली क्लासिफाइड ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द, जीआईटी पे काम करता है, सीएनएस पे काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, देखिए रेस्पिरेटरी भी काम करता है क्योंकि इससे हम लोग बना सकते हैं कुछ मेडिसिन, लेकिन बेसिक जो काम है ये काम कहां से करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एनाल्जेसिक काम करता है, एनेस्थेटिया में काम करता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, विनका टैक्सस, आपको याद है विनक्रिस्टिन, विनप्लाटिन, टैक्सा, ये सभी फार्माकोलॉजिकल असर क्या है इसका, बहुत ही फेमस प्लांट था, तीन प्लांट का नाम बताया था मैंने आपको, पोडोफाइलन टॉक्सिन, टैक्सा, विनका, एंटी डस्टिव, वेस्टालेटर, एंटी कैंसर, सीरेप्रेसेंट। चलिए जवाब दीजिए, हाँ बहुत सही जवाब है, जिन लोगों का जवाब सी आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का जवाब सी में देख पा रहा हूं स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर सी सही है, एंटी कैंसर ड्रग होते हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में देख लेता हूं, विच प्लांट इज रिनोव्ड फॉर इट्स इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी, किस प्लांट को उसके इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, मतलब बता देना जो टॉनिक बनाते हैं कुछ प्लांट नाम बताया था आपको, एफेड्रा, अश्वगंधा, जेंटियन, डिल, बहुत ही फेमस टॉनिक संघ पुष्पी वगैरह पड़ता है वो। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी अश्वगंधा जो है वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। कॉल्चिकम ऑटोमिनेल इज अ प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल, क्या काम है कॉल्चिकम का, रिमेटिज्म में, मलेरिया में, हेलमिंथ में, कैंसर, अगर आपको याद होगा तो कॉल्चिकम ऑटोमिनेल मैंने बताया था एंटी रूमेटिक ड्रग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, रूमेटिज्म में, आर्थराइटिस में, गठिया बतास के पेशेंट को हम इसे प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ क्वेसिया, क्वेसिया अंगस्टिफोलिया, क्या बेसिक इसका काम है, ऑप्शन नंबर ए एंटी पायरेटिक, एंटी स्ट्रिंजेंट, एंटी हेलमिंथिक या कार्डियोटॉनिक। अगर आपको याद होगा क्वेसिया, जी हाँ मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है, एंटी हेलमिंथिक, एक बार इसे आप गूगल पे या नोट्स पे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, जो मैंने आपको नोट्स पहले दिया है उसमें एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन सी मेरे हिसाब से है एंटी हेलमिंथिक। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लांट इज नोन इज फॉर एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी, किस में से किसके पास एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी, तुलसी के पास, आर्टिमिसिया के पास, जिनसेंग के पास, सिनकोना के पास, देखिए इसमें से आप बता दूं क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है, इसमें ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही, दो ऑप्शन सही है, बी आर्टिथर मिलता है आर्टिमिसिया से जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, और सिनकोना मिलता है सिनकोना ऑफिसिनेलिस से, क्विनिन प्राप्त होता है वो भी, दोनों एंटी मलेरियल, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी आ जाते हैं, तो पिछले साल भी दो क्वेश्चन ऐसे आए थे
जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें गलत ऑप्शन हो या मल्टीपल ऑप्शन सही हो तो उस केस पे कॉमन नंबर सबको मिल जाता है, सारे स्टूडेंट को कॉमन नंबर मिल जाता है। 2019 में दो क्वेश्चन ऐसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ चलते हैं। कोका इज प्राइमरली यूटिलाइज्ड एज, कोका का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एज ए सीरियस डिप्रेसेंट, लोकल एनेस्थेटिक, एंटी टस्सी, वैसोडायलेटर। वैसे कोका जो होता है, कोकेन वगैरह जो बनता है, उसे हम एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात हो रही है। एंटी कोलिनर्जिक काम कौन सा है, कुर्सी का, मेंथा का, बेलाडोना का, जिनसिंग का। बेलाडोना का फुल फॉर्म क्या है, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना मतलब एट्रोपिन, और एट्रोपिन जो है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, बहुत ही कॉमन ड्रग है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेलाडोना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। गूगल गूगल इज अ प्राइमरली यूटिलाइज फॉर विच फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्या काम है गूगल का, एंटी रिबैटिक है, एंटी पायरेटिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर। वैसे जहां तक है गूगल जो है वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर कैटेगरी में ही आता है, और ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार आप सी भी क्रॉस चेक करिएगा, एक्सपेक्टोरेंट भी हो सकता है, दोनों एक्शन शो कर रहा हूं। नोट्स पे चेक कीजिएगा कि ऑप्शन सी या डी में से कौन से, मुझे डी लग रहा है। द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल यूज ऑफ एकोनाइट, एकोनाइट का बेसिक यूज क्या है, स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट, एंटी कैंसर या कार्डियक डिप्रेसेंट। ठीक है, तो एकोनाइट मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था नोट्स में, इस पर देख लीजिएगा। स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट तो है नहीं, सीएनएस स्टिमुलेंट हो सकता है, एंटी कैंसर भी नहीं है, सीएनएस स्टिमुलेंट और कार्डियक डिप्रेशन में कोई एक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको भी एक बार क्रॉस किया। मैंने कहा ना ये सारी की सारी चीजें याद करने वाली हैं, और मैं ब्रह्मा जी तो हूं, मुझे सब पता होगा। मैं आपको जो नोट्स बनाता हूँ उसी बनाते समय कुछ याद हो जाती है, कुछ चीजें भूल जाता हूँ, तो ये डाउट है मुझे। लेकिन इसको आपको चेक करना, जो मैंने नोट्स इससे पहले दिया है, जो नोट्स आपको बैचेस में या कोर्स में मिल रहे हैं उस पर क्रॉस चेक कीजिएगा इसका सही जवाब क्या है, और कॉमेंट सेक्शन में हमको भी और सबको बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 विच प्लांट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट की तरह कौन सा, धतूरा नहीं, आर्टिमेसिया नहीं, सिंकोना क्वेसिया। इसमें चार ऑप्शन दिया है, कैसिया गैस्ट्रिकोलिया, सिंकोना ऑफिशियलिस, सिंकोना जो है एंटी मलेरियल है, आरटीबीसी एंटी मलेरियल है, धतूरा एंटी कोलिनर्जिक है, बचा क्वेसिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्वेसिया इज एज एस्ट्रिंजेंट की तरह भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो है केमिकल क्लासिफिकेशन से बन रहे। द केमिकल नेचर कैटेगरी इंक्लूड सब्सटेंस लाइक ट्रेगाकैंथ और एकेसिया, किस कैटेगरी में आता है। याद होगा आपको ये दोनों हमारे गम और म्यूसिलेज में आते थे, और गम और म्यूसिलेज किस कैटेगरी में आता था, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइड टेरिनोलोडाइन। जी हाँ, सबका जवाब सही है, लगभग ए आ रहा है, और जी ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में गम और म्यूसिलेज आते। सेना और एलोए याद होगा आपको, ये किस केमिकल नेचर के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइड टैनिन और वोलेटाइल। मैंने आपको बताया था दोनों में खास बात है, एलोए कार्बोनेसिस सेना में, कि ये इसमें एक ग्लाइकोन ग्लाइकोन पार्ट होता है, काम करता है, ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड क्या है, वो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का है, ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23-24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच केमिकल नेचर कैटेगरी इंक्लूड सब्सटेंस लाइक क्लोव और मिंट। क्लोव और मिंट किस कैटेगरी में आते हैं, लौंग पुदीना से क्या मिलती है, खुशबू वाले तेल, याद है कुछ, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइड टैनिन या वोलेटाइल ऑयल। सबका जवाब लगभग आ गया, क्वेश्चन पढ़ने से पहले बच्चे जवाब दे रहे थे, मैं देख पा रहा हूं, और लगभग सभी लोगों ने डी जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही है, वोलेटाइल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 24, सिंकोना बिलोंग्स टू विच केमिकल नेचर कैटेगरी, सिंकोना किस केमिकल नेचर की, सिंकोना कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइड टैनिन या इलेक्ट्रोलाइट, ये तो आपका जवाब पता होना चाहिए। सिंकोना ऑफिसिनेलिस जो है वो मेरे ख्याल से ये जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है, इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आता है, इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सी और डी में कंफ्यूजन, लेकिन डी मेरे ख्याल से श्योर है कि इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, विच केमिकल नेचर कैटेगरी इंक्लूड सब्सटेंस लाइक पेल कटेचू एंड ब्लैक कटेचू, कत्था काला कत्था किस कैटेगरी में आता है, पीला कत्था, कत्था मैंने बताया था खून रोकने के लिए, खून कब तक रुकता है, चूना के साथ पान, पान के साथ कत्था, याद है कुछ,
कार्बोहाइड्रेट, फ्लेवोनॉइड, टैनिन और रेजिन। तो ये सारे के सारे टैनिन कैटेगरी में आते हैं, कलर चेंज करते हैं। जितने भी टैनिन होते हैं वो रेड कलर में चेंज होते हैं लास्ट में। याद की इसको याद कर लीजिएगा, चमड़े वमड़े को रखने के लिए टैनिन इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, विच केमिकल नेचर कैटेगरी इंक्लूड सब्सटेंस लाइक मिर और एसोफेटिडा, दोनों हींग और मिर, ये क्या होते हैं? रेजिन टाइप कैटेगरी होता है, किस कैटेगरी में आते हैं? मैंने तो बता ही दिया यार, जवाब भी आ गया होगा। लिपिड, रेजिन, एल्कलॉइड, विटामिन, जी हाँ, ये सारे के सारे रेजिन है, एक्सट्रैक्ट रेजिन है। एफेड्रा, रॉल्फिया और एर्गॉट, ये तीन ड्रग है, ये किस केमिकल कैटेगरी के आते हैं? एफेड्रा, रॉल्फिया, सर्पेंटाइना और एर्गॉट। एमीन में आते हैं, इंडोल में आते हैं, आइसोक्विनोलोन, ट्रोपोन। अब देखो ये सारे चारों तीनों जो एल्कलॉइड के प्रकार है, इंडोल एल्कलॉइड, एमीन एल्कलॉइड, आइसोक्विनोलोन, ट्रोपेन। अब देखिए आपको पता है इफेड्रा से कौन सा ड्रग बनता है? इफेड्रा से बनता है एफेड्रीन, आपको इसे याद करना पड़ेगा। रॉल्फिया से बनता है सर्पेंटीन, जो ड्रग निकलता है उसका याद करना पड़ेगा। और एर्गॉट से मिलता है एर्गोटामीन, एर्गोटामीन। अब आप देखेंगे सबके लास्ट में ईन आ रहा है और इसमें मीन आ रहा है, और किसी भी केमिकल नेचर जो अमीन कैटेगरी वाले होते हैं लास्ट में उनके मीन या अमीन आता है। इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमीन कैटेगरी की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। जिलेटिन और कोलेजन, जिलेटिन जिससे कैप्सूल बनता है, कोलेजन जिससे मेडिसिन बनती है गठिया बताश की, ये दोनों ड्रग किस नेचर के होते हैं? जवाब सबका आ गया है मेरे बोलने से अच्छा ही, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, और लगभग सही लोगों ने जवाब दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, प्रोटीन। ईस्ट इज क्लासिफाइड अंडर विच केमिकल नेचर कैटेगरी? ईस्ट जो फंगस मिलता है वो किस कैटेगरी में आता है? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, विटामिन में, लिपिड से? ईस्ट से प्राप्त क्या होता है? ठीक है, ईस्ट से एंजाइम्स प्राप्त होते हैं, और एंजाइम किस कैटेगरी में आते हैं? एंजाइम्स आते हैं हमारे प्रोटीन कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 30, विच केमिकल नेचर कैटेगरी इंक्लूड सब्सटेंस लाइक थियोब्रोमा, ओलिव और कैस्टर, ये तीनों से क्या प्राप्त होता है? तीनों से तेल प्राप्त होते हैं, पढ़ा होगा। किस कैटेगरी को जाएंगे? अमीन, लिपिड, आइसोक्विनोलोन, ट्रोपोन। जवाब सही ऑप्शन नंबर सी, लिपिड। तो ये रहा आपके 30 सवाल, और 30 में से कितने जवाब आपके सही हैं? अगर आपको इन सारे, देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं आपको सारे वीडियोस, और इन वीडियोस के जो नोट्स हैं वो भी फ्री में आपको मिल रहा है बैचेस में। एप्लीकेशन में जाइए, आरआरबी का बैच ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको फ्री में, कैसे ज्वाइन करना है उसका ट्रिक, उसका तरीका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन अगर जो लोग इसके अलावा थोड़ी और मेहनत करना चाहते हैं, जो 3-4 हजार रुपए किताबें खरीदना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा किताब से बेहतर है, एक हमारे बच्चों ने कुछ कोर्स रेडी किया है, वो इस ऐप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, आरआरबी कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको इन नोट्स के अलावा, ये नोट्स खास बात क्या है, बैचेस में आप डाउनलोड नहीं कर सकते, प्रिंट आउट नहीं करा सकते, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं कोर्स में। डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज लीजिए, उसके बाद आप हर सब्जेक्ट के करीब 10 यानी ओवरऑल 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेंगे, 10,000। और अगर इतनी तैयारी हो गई तो क्या, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आपको हर महीने में 2 बार यानी लगभग 10 से 12 मॉक टेस्ट करने को मिलेगा। पहला मॉक टेस्ट 27 को इसी संडे को होगा, उसकी डेट वगैरह मैं अनाउंस कर चुका हूं, ये उस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है तो मेरे कुछ बच्चों ने मेहनत करके कुछ कोर्स क्रिएट किया, आप उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और आपको कुछ नहीं लगना है यार, 400-500 रुपए कुछ नहीं होता, और तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑलवेज।